कितना हिस्सा जाएगा। वहाँ मस्जिद का अभी तक कुछ नहीं हुआ है और देखिए क्या फैसला निकल के आता है। और ये मज़ार जो कि अभी इसको नहीं हटाया गया है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पूरे रामपथ मार्ग में सबसे पतला रास्ता इसी जगह पे है। इसके अंदर बाप रे बाप कितना ज़्यादा गहरा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। इधर ये देखिए घर, ये कितना अच्छा बन के तैयार है। ये देखिए इधर सभी लाइन से बनना शुरू हो गए हैं। जय श्री राम मित्रों, स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। तो अभी हम अयोध्या प्रवेश द्वार जालपा चौराहे के पास, और आपको अपडेट देते हैं गुदड़ी बाज़ार तक की, और दिखाते हैं क्या बदलाव हुए हैं इन 3-4 दिनों में। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्थिति देख सकते हैं बिल्कुल सीरिया वाली स्थिति हो गई है, एकदम हर तरफ तोड़ फोड़ और धूल कामवार काफ़ी ज़्यादा। आपको याद होगा इस साइड ढोसा कॉर्नर वगैरह लगते थे, जो कि अब उस साइड चले गए हैं। और इधर ये सब देखिए अपडेट हुआ है, नाला वगैरह कंप्लीट हो गया है, और इधर चला आया है ढोसा वगैरह जो भी यहाँ इस साइड देते थे लोग। और ये आईटीआई कॉलेज अयोध्या, और ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर था जो कि हटा दिया गया है, साइड कर दिया गया है। धीरे धीरे रामपथ मार्ग अपना आकार ले रहा है, और ये मज़ार जो कि अभी इसको नहीं हटाया गया है। और ठीक इसी के आगे एक मस्जिद पड़ती है, ये इसका जितना हिस्सा जाना था चला गया है, इन लोगों ने अपडेट कर लिया है। और यहाँ से बढ़ते हैं और आगे इस साइड LIC की ऑफिस, भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय। और जाम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ये देखिए रास्ते में खड़े होके लिया जा रहा है, वाह भाई इसी जगह पे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि ये नहीं उतर के गाड़ी साइड में करके उसके बाद लिया जाए। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना अपडेट हुआ है। इधर साइड अभी नाला नहीं बना हुआ है, और इधर सब भी लोग अभी घर के सामने अपने डिज़ाइन नहीं तैयार किए हैं। और ये सब पाइपें वगैरह देख सकते हैं रखी गई है, जो कि सीवर लाइन में यूज़ हो रही है ये वाली पाइप। और इधर ये कुछ बनाया जा रहा है, इसको भी आपने कई बार देखा होगा, इस बिल्डिंग को देख सकते हैं वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। चलते हैं आगे साइड में एक बार देखने के बाद, डर रहता है कि कोई सामने ना आ जाए। और बज रहे हैं 12:30, वो भी दोपहर के, गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है। इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। आपको ऐसे ही अयोध्या की अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो चलते हैं यहाँ से आगे, देख सकते हैं ये सब यहाँ कैसे टूटा हुआ है। ये देखिए नया नया खून, नया नया उबाल, गाड़ी इधर से उधर कटा के चला रहे हैं। इधर देखिए ये सब कैसे अभी ताज़ा ताज़ा इसको बनाया गया है, कंक्रीट का मसाला डाला गया है। और ये होटल क्रीनास्को, काफ़ी अच्छा होटल है ये। इधर देखिए कैसे तबाही का मंज़र आपको दिख रहा होगा ये इस जगह पे। इधर देखिए
तो ऐसे कुछ हालात हैं अभी मौके पे। ये देखिए ये अपडेट हो चुका है बनके, बस पेंट होना बाकी है। और कई लोग इसलिए भी पेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बोला था कि पेंट वगैरह का पैसा वो देगी, तो इसलिए भी लोग पेंट भी नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पूरे रामपथ मार्ग में सबसे पतला रास्ता इसी जगह पे है, इस जगह पे जो कि ये पुलिया पड़ती है, इसको भी चौड़ा किया जा रहा है। अभी तो भाई टाइम लगेगा ये सब होने में, और जिस दिन बन के अयोध्या तैयार होगी उस दिन काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और ये देखिए बना दिया गया है कॉमन बिल्डिंग कोड डिज़ाइन, और इधर ये थोड़ा सा बनाया गया है। यार सबसे ज़्यादा जाम अगर लग रहा है तो टोटो और विक्रम, इतना ज़्यादा कि पूछिए मत। ऊपर से ये गर्मी, और इधर से ये देखिए मंदिर थी जो कि टूट गई है पूरी। और ये जो देख रहे हैं हर्ष स्टील फर्नीचर, इसी डिज़ाइन में बोर्ड भी लगेंगे ऐसा आदेश आया है। कि मतलब बोर्ड ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डिज़ाइन में मतलब उल्टा सीधा लिखवा लीजिए, बोर्ड का भी मतलब है कि ऐसे ही लगेगा। कि मतलब कि अगर कोई आए पहली बार तो उसको राम मंदिर जाने का अलग ही फील हो जाए कि हाँ हम राम नगरी में आ गए हैं। और ये राम जानकी मंदिर, और बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल की, अब तो और जाम लगेगा भाई। दोपहर में यार एनर्जी नहीं रह जाती है कि क्या बोला जाए। निकलते हैं आगे, इधर से ये गुलाब बाड़ी की ओर जा सकते हैं जो कि घूमने फिरने का एक अच्छा जगह है। ये पानी का छिड़काव किया गया है, अच्छी बात है धूल वगैरह ना उड़े। और गर्मी में पानी छिड़काव किया नहीं गया कि तुरंत सूख जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए सीवर लाइन का काम चल रहा है इस जगह पे, कई काम एक साथ हो रहे हैं। और इस कॉर्नर पे अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मंदिर थी जो कि पूरी की पूरी टूट गई है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर थी। तो जब हम अपने असली भगवान को पा रहे हैं तो छोटे मोटे कुर्बानी तो कोई बात नहीं। इधर देखिए ये सब सरिये के जाल बांध दिए गए हैं, बहुत ही जल्दी कंक्रीट का मसाला डाला जाएगा। इसके अंदर बाप रे बाप कितना ज़्यादा गहरा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए ये तो पूरा एक कमरे जैसा गड्ढा हो गया यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे यहाँ से। और ये देखिए जो सामने हमारे पेड़ है, यहाँ पे भी मंदिर थी जो कि तोड़ी जा रही है। यार उतना ज़्यादा वो गड्ढा किया गया था उसमें, बताइए पूरा एक कमरे भर का।
बाप रे बाप। ये देखिए यहाँ सभी बड़ी बड़ी पाइपें रखी गई हैं जो कि सीवर लाइन में यूज़ होंगी। अभी तो भाई टाइम लगेगा यार। इधर देखिए ये बना रहे हैं डिज़ाइन रामपथ मार्ग। इधर ये देखिए घर, ये कितना अच्छा बन के तैयार है। ये देखिए इधर सभी लाइन से बनना शुरू हो गए हैं। ये चार पांच घर इधर लाइन से बने हुए हैं काफ़ी अच्छे, बस पेंट होना बाकी है। और दो घर ये इधर बन चुके हैं। ये देखिए तो फाइनली हम नज़दीक आ चुके हैं गुदड़ी बाज़ार के पास। और आपको मैं यहाँ की मस्जिद का भी अपडेट देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या हाल हुआ है इस मस्जिद का, अभी कितना टूटा है या टूटेगा या नहीं टूटेगा, आप देख लीजिए। अंदर की खबर तो मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है। आप देखिए ये लाइन से यहाँ पे ये काम हो रहा है। अब ये लाइन से ऐसे सिधाने में बना हुआ है। और देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जाम लग गया है, काफ़ी ख़तरनाक जाम। इधर देखिए कितना जाम लगा हुआ है। और अभी मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। और देखिए टोटो कितना ज़्यादा खड़ा हुआ है। और ये सामने हमारे देख सकते हैं मस्जिद, देखिए कितना हिस्सा जाएगा। मगर मस्जिद का अभी तक कुछ नहीं हुआ है और देखिए क्या फ़ैसला निकल के आता है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।